हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे और आज मैं निकल रही हूँ। पहले तो मैं बैंक में जाऊंगी। गाइस, क्या हुआ है पता है? बैंक में मेरा कार्ड ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में यही नहीं हो रहा था, तो मुझे पता नहीं चला कि क्या करना चाहिए। पर बाद में जय ने बताया कि इंटरनेट बैंकिंग ऑन करेंगे और उसके बाद वो सिस्टम में ऑफ दिखा रहा है कार्ड, तो उसमें ये करेंगे। ऐसे डेबिट होता है, पैसा सब होता है, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो करना है हमें वो नहीं हो रहा है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कभी कोई फॉर्म भरना है या कभी कुछ ऑनलाइन चीज़ें पैसा ट्रांसफ़र करना है, वो हो ही नहीं रहा था। तो आज मैं जा रही हूँ बैंक में, वो सब काम करवाऊंगी। और बज गए 10:30 ऑलरेडी, मुझे बहुत लेट हो गया है और रोज ही लेट हो जाता है। तो गाइस, कल का मेरा वीडियो आपने देखा, पार्टी मेकअप लुक वाला? नहीं देखा हो तो बैक साइड बैक वीडियोस जाके देख लीजिए। और बस आगे आगे मैं जो जो करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, तो गाइज, अगर आपको ये प्रॉब्लम जा रही है तो आप कार्ड का इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड का इंटरनेट बैंकिंग ऑन करा दीजिए और सिस्टम में देख लीजिए अपने ऐप में जाके कि आपका वो ऑफ दिखा रहा है, ऑन दिखा रहा है, और उसके बाद आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कुछ भी कर सकते हो। जिसको नहीं पता है उनके लिए बता दे रही हूँ, जो पता है वो तो एक्सपर्ट है। ओके, तो गाइस चलिए, अब मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए। सबसे पहले मैं जाऊँगी बैंक में, उसके बाद पार्लर में जाऊंगी। और जो नए आए हैं मेरे नए न्यू सब्सक्राइबर, मैं बता देती हूँ कि मेरा ब्यूटी पार्लर है और मेरा प्ले स्कूल भी है। तो अभी मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए और आगे आगे हम जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, और मिलिए अतिथि से। हाय, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, अतिथि से मिलिए। अतिथि को थोड़ी सर्दी हो गई है, तो चलिए अब निकलते हैं पार्लर के लिए। तो गाइस, बैंक का काम हो गया है और हम लोग अभी बैंक से घर पे आए हैं। घर पे इन द सेंस पार्लर पे आए हैं और बज गए हैं अभी, देखिए मैं आपको बता रही हूँ वॉच में 12:30 बज गए हैं देखिए। तो गाइस, और ये सब ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह वो सब बहुत दिमाग खराब हो जाता है एकदम से, समझ में नहीं आता है जल्दी से। तो गाइस, बहुत टाइम हो गया, बहुत बहुत ज़्यादा। 12:30 बजे मैं पार्लर पे आ रही हूँ और पार्लर ओपन कर रही हूँ। और आज ये बाजू में ना शॉप का ओपनिंग है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो उन्होंने सारा डेकोरेट किया है, बहुत रश है, लोगों की गर्दी पड़ी हुई है। चलिए आपको दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ आप ले। गाइस, हम लोग आए हैं होटल में। और अतिथि, 1.5 साल के बाद होटल में आने के बाद कैसा लग रहा है? 1.5 साल के बाद इधर आई है अतिथि MM होटल में। गाइस, हम लोग बहुत दिनों के बाद ये होटल में आए हैं, तकरीबन 1.5 साल के बाद एकदम। और ऑर्डर दिया है, अब खाना आएगा। और ये मेरा फेवरेट होटल है, अतिथि का भी। अतिथि को भी ये होटल का खाना बहुत अच्छा लगता है। हे गाइस, आज है संडे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग। मेरा व्लॉग कल से स्टार्ट है और कल रात को हम लोग ने होटल में कुछ खाना खाया, वो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो अब मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए और रोज 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 लेट हो जाता है। तो आज संडे है, पार्लर जाने से पहले मुझे काम है पेट्रोल भराना, और उसके बाद मुझे एक मंदिर में जाना है। और गाइज, आज मैंने खाना नहीं बनाया है क्योंकि कल का खाना, कल हम वो ओपनिंग में गए थे तो वहाँ से बहुत सारा नाश्ता मिला था, समोसा वगैरह, तो हमारा खाना ऐसे ही पड़ा रहा। तो खाना फ्रिज में रख दिया है, कल बैंगन की कातरी और रोटी बनाई थी तो वो खाना फ्रिज में रख दिया है, तो वो ही खा लेंगे आज।
और शाम को देखेंगे अच्छा कुछ खाना खाएंगे। तो चलिए निकलते हैं पार्लर के लिए। फैन का बहुत आवाज आ रहा था और अतिथि ने फैन बंद कर दिया। अतिथि गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम निकल रहे हैं पार्लर पे। ओके तो मैं इस पार्लर पे आ गई हूँ। बाल पूरी तरह से गीले हैं और रास्ते में मैं गई थी, मैंने बोला था ना कि मुझे मंदिर जाना है, तो मंदिर जाके आई, पेट्रोल भरा के आई और पार्लर पे आ गई हूँ। और दोपहर के 12:30 बज गए हैं गाइस अभी, और संडे को पार्लर पे थोड़ा सा कम रश रहता है, तो थोड़ा कल के लिए मैं सब्जी वगैरह भी लेके आई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या सब्जी ली है। तो गाइस मैंने सब्जी में ये मैंने सेंगा ली थी, तो सेंगा को मैंने छील लिया है। यहाँ पे सब्जी में मैंने आलू लिए हैं, टमाटर लिए हैं, ऑनियन भी लिए हैं नीचे है देखिए, और थोड़ा सा मिर्ची, कोथमीर, धनिया। तो कल के लिए सब्जी ले ली है मैंने, और बस यही सब चल रहा है। दोपहर हो गई है, अब खाना खाएंगे। तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बताइए आज आपने क्या बनाया है। ओके गाइस मैं कभी कोई मेकअप नहीं करती हूँ और आपके सामने आ जाती हूँ, सिर्फ सिंपल सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ और मैं ना अपने आप को देखती हूँ। मैं कैमरे में देखना भी भूल जाती हूँ, अभी मैं कैमरे में देख रही हूँ। तो बस मुझे भी कभी दिल करता है मैं भी खूब तैयार हूँ क्या, लेकिन बस चल रहा है, जाने दो, क्या मैं आपको मेरी बातें बताऊँ। आप बोलोगे कि ये तो हमेशा छोड़ो, खुश रहने की कोशिश करती हूँ। और चलिए थोड़ी देर में खाना खाएंगे, और इसी तरह से मेरा संडे की शुरुआत हुई है और संडे आधा दिन भी चला गया है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। ओके तो गाइस अभी मैं बाहर बैठी हूँ और अंदर टाइम पास नहीं हो रहा था इसलिए बाहर आ गई हूँ, और थोड़े बहुत वीडियोस डाउनलोड किए हैं वही देख रही थी मैं अभी। और बाहर का एटमॉस्फेयर, आज संडे है इसलिए ट्रैफिक तो है ही, थोड़ा बहुत चल रहा है। और पीछे मेरा पार्लर दिख रहा है आपको। अभी मुझे कोई चॉकलेट दे के गया है, तो किसी का बर्थडे था तो मैं बाहर आके बैठी तो उन्होंने मुझे ये चॉकलेट दिया। और जब से संक्रांत गई है ना, तो गाइस लड्डू और ये सब मीठा खा के ना जी एकदम ख़राब हो गया है। बहुत मीठा खा रही हूँ क्योंकि जो वो पार्लर पे आता है लड्डू वगैरह थमा देता है, तो मीठा ज़्यादा हो रहा है। और अब मीठा नहीं खाना था तो भी ये चॉकलेट मिल गई है। और गाइस आप लोग क्या कर रहे हो, खाना वाना खाया कि नहीं? तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए लाइव जाऊँ और देखते हैं थोड़ा सा। तो दोपहर का टाइम, अभी 3 बजे क्लाइंट है, 3 बजे क्लाइंट आने वाली है, तो टाइम पास हो ही जाएगा। पर गाइस आजकल ना मेरे दिन बहुत बाहर ही चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा दिन भारी चल रहे हैं। थोड़े दिन में नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। गाइस लाइफ में ना उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। हम लोग बहुत बहुत लाइफ बहुत हार्ड है लगता है ऐसा, और स्पेशली इंडिया में। इंडिया में हर कोई दुखी है। क्या चल रहा है सबकी लाइफ में, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास क्या नहीं है, हर कोई। और स्पेशली ये मुंबई में तो सब लोग भागते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और सब लोग धड़पड़ते रहते हैं अपना कुछ भी कमाई के लिए। अभी ये साइड में जो आपको मैं बता देती हूँ, देखिए साइड में ये रैक लगा है ना, वहाँ पे एक लेडी पर्स वगैरह सेल करने को रखती है। मतलब इंसान कुछ भी 100-150 रुपये के लिए भी इंसान कुछ भी करता रहता है, और उसी तरह से लाइफ को खींचते रहते हैं। तो गाइस परेशानी तो हर किसी को है, और मैं बाहर बैठी हूँ इसलिए ईयरफोन लगाई थी मैंने,
क्योंकि मैं वीडियो ये कर रही थी, देख रही थी। तो बस गाइस, आज का व्लॉग, ये सैटरडे संडे का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर से कीजिए। और जो नए आए हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस कमेंट्स कीजिए, मुझे कमेंट्स के जवाब देने को बहुत अच्छा लगता है। और मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, जैसे मैं सारे मेकअप लुक वगैरह दिखाती रहती हूँ बार बार, तो वो सब आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।